अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूला। जो हमने पढ़ा है पीछे प्रीवियस हमने जो लेक्चर में पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था यूलर्स थ्योरी रिलेटेड टू द कॉलम। और आपको पता है यूलर्स थ्योरी जो है दैट वो सिर्फ क्राइटेरिया लेती है फॉर बकलिंग लोड, वो डायरेक्ट स्ट्रेस को नेग्लेक्ट करती है वायरलेस। लेकिन जब भी कॉलम पे अंदर लोड आ जाएगा ऑब्वियसली बात है उसमें थोड़ी उसमें क्रशिंग भी हो जाती है और बकलिंग। फिर दूसरी चीज़ है कि कौन ज़्यादा है, क्रशिंग है बकलिंग, लेकिन होते हैं दोनों चीज़ें। और सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी किसकी, यूलर्स थ्योरम की, वो लिमिटेशन थी कि हमारे पास जो यूलर्स थ्योरम थी वो सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स के लिए लगती, शॉर्ट कॉलम्स के लिए वो चीज़ नहीं लगती थी। तो इसलिए एक जो है फॉर्मूला निकाली दी गई है रैंकाइन जॉर्डन साहब ने, उस फॉर्मूला से आप वो फॉर्मूला बोथ शॉर्ट कॉलम एज वेल एज लॉन्ग कॉलम बोथ कॉलम्स के लिए वो एप्लीकेबल है। तो रैंकाइन सिंपल एम्पलीफायर, देयर इज नो डेरिवेशन, एक फॉर्मूला दिए जिस फॉर्मूला को आप यूज करने के बाद किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो, चाहे शॉर्ट कॉलम हो चाहे लॉन्ग कॉलम हो। तो उसके एतबार से फॉर्मूला जो हमारे पास रैंकाइन साहब की जो फॉर्मूला दैट इज 1/PR इज इक्वल टू 1/PCR प्लस 1/PE यूलर। वन बाई दिस इज अ पी आर, दिस इज रैंकाइन्स लोड, रैंकाइन्स क्रिटिकल लोड, एंड दिस इज क्रशिंग लोड, एंड दिस इज यूलर्स बकलिंग लोड। क्रशिंग लोड फॉर शॉर्ट कॉलम्स, यू नो शॉर्ट कॉलम्स फेल बाय द क्रशिंग एंड लॉन्ग कॉलम्स फेल बाय द बकलिंग। बकलिंग लोड किससे हम निकालते हैं, यूलर्स थ्योरम से। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, 1/PR इज इक्वल 1/PCR प्लस 1/PE। ठीक, यहां तक समझ आया आपको। उसके बाद अगर हम इस चीज को यहां से देखेंगे, क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग कॉलम, हम क्या देखेंगे, हम निकालेंगे पहला केस, केस फर्स्ट लॉन्ग कॉलम में आप देखो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो बकलिंग लोड था वो जनरल फॉर्मूला जो उसकी दैट इज पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। आप देखो लॉन्ग कॉलम्स के लिए क्या होगा, लॉन्ग कॉलम्स के जो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ होंगे वो ज्यादा होगी। जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर लॉन्ग कॉलम में आप क्या देख रहे हो, लेंथ ज्यादा है, दैट मींस डिनोमिनेटर ज्यादा है और उसको स्क्वायर भी है, तो ऑब्वियसली बात न्यूमिनेटर कम होगा, तो पी विल बी लेस। लेंथ कम है, इफेक्ट लेंथ कम है, तो लेंथ कम होने की वजह से न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। फिर जब आप उस लॉन्ग उस पी को इसमें उसमें इसका सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जब पी छोटा है, पी स्मॉल है, लेकिन 1/PE क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे वो बड़ा बन जाएगा। देयरफॉर फॉर लॉन्ग कॉलम 1/PE विल बी लार्ज। Why large? Because P is less for long columns, but 1/PE will be greater. So 1/PE जब ज़्यादा होगा, 1/PE is 1/PCR से ज़्यादा होगा. Therefore we will neglect this term. Therefore when 1/PE is larger, we will neglect 1/PCR. जब आपने 1/PCR को neglect किया, तो वहाँ से क्या हो जाएगा आपको? वहाँ से आपको equation आ जाएगी that 1/PR is equal to 1/PE. Therefore, आपको आ जाएगा PR is equal to PE. Therefore, for long columns, Rankine का जो load होगा वो वही load होगा जो आपके पास कौन सा होगा, जो आपको Euler साहब ने long columns के लिए। That means जब हमने इस column में, इस formula में long column को introduce किया, उसकी properties को introduce किया, हमें round around एक assumption से neglect करने से हमें आ रहा है कि जो Rankine's जो load है, critical load, that is called Euler's crippling load. ये था for long columns. इसी इक्वेशन में आप अगर आगे चलोगे, इसी इक्वेशन में जब आप आगे चलोगे फॉर शॉर्ट कॉलम्स ऑब्वियसली बात है फिर से पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर। अब जब शॉर्ट कॉलम है तो एल इफेक्टिव लेंथ कम होगी, जब इफेक्टिव लेंथ कम है तो उसका जो पी होगा वो ज्यादा होगा। देखो फॉर शॉर्ट कॉलम PE is larger, PE is greater. जब PE greater है तो 1/PE will be less. 1/PE will be, therefore, neglecting it. जब आपने इसको neglect किया था, therefore for short column क्या आ जाएगा, 1/PR is equal to 1/PCR.
देखो फॉर शॉर्ट कॉर्म क्या आएगा, जो 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 आपके पास है, जो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, पी आर इज कॉल्ड पी सी आर, दैट इज जो रैंकाइन्स क्रिटिकल लोड है दैट इज कॉल्ड क्रशिंग लोड, वो शॉर्ट कॉलम। यहां से आपने फिर से प्रूव किया है कि ये जो जो हमारे पास फॉर्मूला है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, शॉर्ट कॉलम के लिए भी और लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम यहां से दिखा रहा है फेल्स बाय क्रशिंग, एंड फॉर लॉन्ग कॉलम वी हैव योर लोड क्रिपलिंग लोड। ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को आप दोनों केसेस के लिए यूज कर सकते हो। अगर हम इसको आप और सिंप्लीफाई करें, और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं वन बाई पी आर इज इक्वल टू पी सी आर इंटू पी PCR प्लस P, ऐसे कर सकते हैं इसको। जब आपने इसको ऐसे कर दिया, वन बाई पी सी आर इज कॉल्ड, ऐसे आपने इसको जब कर दिया इस इक्वेशन को, तो फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू पी सी आर वन प्लस डिवाइड बाई वन प्लस पी सी आर डिवाइड बाई पी, क्योंकि जब इसको आप एलसीएम निकाल के फिर उसको फिर से वो इक्वेशन वही बन जाएगी जिसे पहले हमने लिखी थी। तो पी आर स्क्वायर पी सी आर वन प्लस पी सी आर डिवाइड बाई पी, ये आपको इक्वेशन बन गई। ठीक, फिर आपको पता है अगर आपको क्रशिंग लोड ये है, अगर हमें क्रशिंग स्ट्रेंथ होगा सिग्मा सी एस क्रशिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा सी एस अगर हमारा क्रशिंग स्ट्रेस होगा, क्रशिंग स्ट्रेस किसके बराबर होगा, सिग्मा क्रशिंग स्ट्रेस अगर सी आर हम सिग्मा सी आर लिखेंगे तो वो आ जाएगा क्रशिंग स्ट्रेस किसके बराबर, दैट विल बी क्रशिंग लोड डिवाइड बाई एरिया। तो क्रशिंग लोड किसके बराबर होगा, पीसीआर विल बी इक्वल टू सिग्मा सीआर इनटू ए। ठीक, तो मैं इस पीसीआर के बारे में लिख सकता हूं, यहां पे इस पीसीआर के बारे में अगर ऐसे लिखूं, मैं लिखूं सिग्मा सीआर इनटू ए डिवाइड बाय वन प्लस सिग्मा सीआर इनटू ए डिवाइड बाय पी। यहां तक आपको समझ आ गया मैंने क्या, मैंने सिंपली क्रशिंग लोड को इन टर्म्स ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस लिखा, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस इसको लोड बाय एरिया। जब आपने इसको ऐसे लिखा उसके बाद आप फिर से इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, आप लिख सकते हो पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी आर इंटू ए डिवाइड बाई वन प्लस सिग्मा सी इंटू ए तो है ही, डिवाइड बाई था पी पी के बदले हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल इफेक्ट स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई एल इफेक्ट स्क्वायर जो को आप जब नीचे लिखोगे वो ऊपर आ जाएगा एल इफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, और आई के ये जो हमारे पास आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बदले हम लिख सकते हैं आई के बदले ए के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन ए के स्क्वायर, तो ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें निकलेगा पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाई वन प्लस सिग्मा सी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई इंटू एल इफेक्टिव बाई के का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको आप फर्दर लिखते हो सिग्मा सी इंटू ए वन प्लस एल्फा एल बाई के का होल स्क्वायर, वेयर दिस एल्फा इज रैंकाइन्स कॉन्स्टेंट। जो आप अल्फा को बोलते हो रैंकाइन्स कॉन्स्टेंट, अल्फा किसके बराबर निकलेगा आपको यहाँ पे सिग्मा सी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई आई, विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन निकली, सिंपल एक इक्वेशन निकली पी आर स्क्वायर सिग्मा सी इनटू ए वन प्लस सिग्मा सी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई एल इफेक्ट बाय के का होल स्क्वायर। वहां से आपको जनरलाइज इक्वेशन मिल गई जिस इक्वेशन को आप बोलते हो दिस इज रैंकाइन जॉर्डन इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप बोलते हो जो आपने यहाँ पे लिखी रैंकाइन जॉर्डन इक्वेशन, दैट इज पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी आर इंटू ए डिवाइड बाई वन प्लस एल्फा एल बाई के का होल स्क्वायर। दिस इज द रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूला जो आप कॉलम्स में, इसको अल्फा क्या है, अल्फा रैंकाइन कॉन्स्टेंट है, विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटीरियल होगी मॉडल्स वेलोसिटी मेटीरियल, फिर कुछ का यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल माइल्ड स्टील का कुछ ऐसे वैल्यूज दिए हैं, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए अल्फा बोला गया इट इज वन बाई सेवन फाइव डबल जीरो। इसी तरह से टिम्बर, अगर हमारे पास टिम्बर को हमने यूज किया, फॉर टिम्बर इट इज वन बाई सेवन फिफ्टी। इसी तरह से हमारे पास अगर होगा कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के वक्त हमारे पास जो इसकी वैल्यू दैट इज वन बाई सिक्सटीन हंड्रेड,
तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स के जो मैंने आपको कुछ मटेरियल्स के कॉन्स्टेंट बोले ये किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा सी आर क्रशिंग स्ट्रेस एरिया आपको पता है, अल्फा आपको पता है, एल बाई इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई जो है आपके रेडियस ऑफ गायरेशन, यहाँ तो समझा गया। ये था रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूला जो आप किसी भी कॉलम में यूज कर सकते हो, तो उससे उससे आप आंसर्स निकाल सकते हो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन कहा गया एक क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक 4 मीटर हॉलो कास्ट आयरन 4 मीटर जिसकी लेंथ है और उसका 300 mm कैपिटल एक्सटर्नल डी एक्सटर्नल इसका है 300 mm एंड इंटरनल डायमीटर डी इंटरनल इसका जो है दैट इज 225 mm हमारा जो इसका इंटरनल डायमीटर है और इसके जो है बोथ एंड्स इसके पिन हो चुके हैं। अच्छा आपको बोला जा रहा है आप इसका सेफ लोड निकालो, फाइंड सेफ लोड जो ये कॉलम पर कर सकता है, जो हमें निकलता है वो होता है अल्टीमेट लोड, हमें उससे उसको डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके सेफ लोड निकलेगा। डिटरमाइन द सेफ लोड द कॉलम कैन कैरी विदाउट बकलिंग, द कॉलम कैन कैरी विदाउट बकलिंग का मतलब वही सेफ जो सेफ इसके अंदर लोड होगा। तो यहां कह रहा है मे कैलकुलेशन बाय बोथ यूलर्स एंड रैंकाइन मेथड, जो हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है हमें बोथ मेथड से करना है, हमें इसको रैंकाइन से भी निकालना है और हमें इसको किससे निकालना है यूलर से भी निकालना है। तो कॉन्स्टेंट इसमें आप गिवन क्या दिया है, गिवन डेटा क्या दिया है 4 मीटर दिया था और गिवन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, कॉन्स्टेंट अल्फा दिया है 1/1600, सिग्मा सी आर क्रशिंग स्ट्रेस जो दिया गया दैट इज 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से हमें दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 FOS 2.5। तो क्वेश्चन समझ आया आपको, इस क्वेश्चन को हमें निकालना कैसे है बोथ मेथड्स हमें लगाना है, यूलर से भी निकालना है और इसको हमें रैंकाइन से भी निकालना। तो हम इसको यूलर से जब हम निकालेंगे तो यूलर से सीधे हम जो वैल्यू देंगे आपको पता है फॉर यूलर जो है यूलर्स के लिए फॉर्मूला फॉर बोथ एंड स्पिन पीसी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ईआई बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर। तो अपनी वैल्यू जब आप पाई को भी दोगे अपने वैल्यूज, आई को भी अपने वैल्यूज देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है सर्कुलर के पाई बाय 64 डी एक्सटर्नल रेज पावर 4 माइनस डी इंटरनल रेज पावर 4 जब उसको वैल्यू दोगे तो वहां से आपको जो निकलेगा दैट विल बी जो हमें वहां से लोड निकलेगा दैट विल बी हमारे पास यूलर्स लोड एंड जो वो निकलता है यूलर्स पीसीई जो हमें निकलता है पीई वो निकलता है हमें 134 × 10⁵ N⁵ बट दिस इज नॉट सेफ लोड, दिस इज अल्टीमेट लोड। सेफ लोड कैसे निकलेगा दैट इज 1.34 यहां पे पॉइंट है 1.34 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 2.5 बिकॉज़ 2.5 हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, द सेफ लोड विल बी 134 जो सेफ लोड होगा दैट विल बी 53.6 × 10⁵ N। This is the load, Euler's load. This is the load, safe load due to the Euler's formula. अब जब आप इसी केस को किस formula से use करोगे इस formula को by using PR is equal to sigma CR into A divided by 1 plus alpha L by K का whole square, जब आप इसको use करोगे sigma CR को अपना value दोगे area pi by 4 dx null square minus d internal square 1 plus alpha L by K का whole square, जब आप इसको अपना value दोगे तो आपको निकल जाता है PR is equal to 86.78 × 10⁵ N। जब आप उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोगे तो पी सेफ लोड ड्यू टू द यूलर दैट विल बी वो आता है हमारे पास 34.7 × 10⁵ N। दिस इज ड्यू टू द रैंकाइन और इससे पहले जो हमारे पास लोड था 50 वो जो इससे पहले लोड था 53.6 पीई से यूलर से हमें आया है 53.6 × 10⁵ N एंड पी आर से हमें आया है 34.7 × 10⁵ N।
भाई बहुत से आपने देखा है वेरिएशन कितनी आ रही है, 53 उसमें आ रहा है, 34 उसमें आ रहा है। ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपने रैंकाइन फॉर्मूला को यूज किया, यूलर्स फॉर्मूला को भी यूज किया। यूलर्स में आपने देखा क्या इसमें ये चीज हमारे पास थी, क्या हमने यूलर्स को कैसे उसके डेरिवेशन कैसे की, उसकी फॉर्मूला को कैसे वो बोथ केसेस के लिए अप्लाई होता था, क्या बोलते उसको लॉन्ग कॉलम्स के लिए भी और शॉर्ट कॉलम्स के लिए भी, ये उसके रिलेटेड था। ठीक, यहाँ तक समझा आपको। इसके बाद एक इसके साथ में एक टॉपिक और आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज लिमिटेशन ऑफ यूलर्स थ्योरम। जो एक और लिमिटेशन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ यूलर्स थ्योरी फॉर अक्सर हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है। माइल्ड स्टेट जब आपको एक का समझ आ रहा है आप सबका निकाल सकते हो, इसकी यूलर्स की क्या है लिमिटेशन। आपको पता है पी जो है पीई जो जनरल फॉर्मूला दैट इज पाई स्क्वायर ई आई By L effect to square, यहां तक आपको ये चीज पता है जो हमारे पास जनरल यूलर की फॉर्मूला है। अगर आप बोथ साइड्स को डिवाइड बाय ए करोगे, इसको भी डिवाइड बाय ए करोगे, इसको भी डिवाइड बाय ए करोगे, ये बन जाएगा सिग्मा ई क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस या जिसका क्रशिंग सेंस बकलिंग स्ट्रेस जो इस पे आ जाएगा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो आपको पता है इस आई के बल आप लिख सकते हो ए की स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हो एल इंटू एल स्क्वायर इंटू ए। ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको आ जाएगा जो आपको क्रशिंग स्ट्रेस हो जाएगा इस केस के लिए कॉलम के लिए दैट विल बी पाई स्क्वायर ई के स्क्वायर डिवाइड बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय एल बाय के का होल स्क्वायर, ऐसे आ सकता है। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय, आपको पता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज लैम्डा स्क्वायर। तो आपको समझ आ गया, आपको एक फॉर्मूला बन गई माइल्ड स्टील के लिए कि माइल्ड स्टील के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज क्रशिंग स्ट्रेस जो उसके लिए होगा दैट इज पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा इज द स्लेंडरनेस रेशियो, पाई इज द जो आपको पता है इज अ मोडस वेलोसिटी। अब यहाँ पे आप स्टील के लिए करोगे तो स्टील का मोडस वेलोसिटी लगा दोगे, कास्ट आयरन के लिए करोगे, टिम्बर के लिए करोगे तो अपना मोडस वेलोसिटी लगाओगे। हम अगर देखेंगे जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील जो है उसके लिए जो हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेस होता है कॉलम का, जो क्रशिंग स्ट्रेस मतलब है जिसके बाद जिसपे वो टूट जाएगा उसके बाद वो लोड नहीं ले सकता है, वो राउंड अराउंड है 320 न्यूटन पर एम स्क्वायर। That means मैं हाईएस्ट वैल्यू लूंगा जो जिसपे ब्रेक और अल्टीमेट में उसका वही वैल्यू लूंगा 320। यहां से मैं पाई को अपना वैल्यू दूंगा 3.14 स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज 2 इनटू टेरेस पर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। अब सब चीजें आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये चीज भी आपको पता है, तो इससे आप निकालोगे लैम्डा। लैम्डा आता है 78.5। इसका मतलब क्या है 78.5 जिसको हम फिर 80 तक अराउंड अराउंड 80 लेते हैं, 78.80 का मतलब क्या है, दैट मींस एक कॉलम को 320 क्रशिंग स्ट्रेस तक पहुंचाने के लिए जो उसको स्लेंडरनेस रेशियो होना चाहिए वो 78.5 से ज्यादा होना चाहिए। अगर इन केस ये 78.5 से कम आ गया उसका मतलब आ जाएगा कि इसका फॉर एग्जांपल किसी का आपको आपको किसी का जो स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो 90 होगा तो उसको यूलर्स थ्योरी तो फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो 90 होगा, 90 का मतलब है डिनोमिनेटर को जब आप बढ़ाते हो, जब आप डिनोमिनेटर 90 तो ठीक है लेकिन अगर आपने इसको 78.5 से 70 लाया, अगर 70 आ गया है तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर कम हो गया। जब डिनोमिनेटर कम हो जाए तो ऑब्वियसली बात है न्यूमिनेटर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ 320 से एक्सीड हो ही नहीं सकता है, तो दैट मीन्स हमारे पास एक लिमिटेशन आती है। क्या है लिमिटेशन फॉर माइल्ड स्टील? फॉर माइल्ड स्टील यूलर्स थ्योरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 78.5। फिर से मैं समझाऊंगा 78.5 का मतलब से ज्यादा क्या है। अगर इसे कम होगा तो क्रशिंग स्ट्रेस उससे ज्यादा होना, दैट मींस वो टूटना चाहिए 320 से ज्यादा, लेकिन वो टूट तो किस पे रहा है, 320 का मैक्सिमम है। तो फॉर माइल्ड स्टील लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 75.5। अब डिफरेंट मटेरियल्स के आप खुद ब खुद निकाल सकते हो, टिम्बर के लिए आपको अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देना, उसको अपना क्रशिंग स्ट्रेस देना है, उससे आप उसके, ये एक बड़ी लिमिटेशन यूलर्स थ्योरम की कि कैसे किस किस हद तक किस लिमिट तक यूलर्स थ्योरम हमें लग सकती है। ठीक है ना, थैंक यू।